नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द वन स्किल लैब यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन पे के दो बड़े अपडेट्स के बारे में, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फोनपे के पहले अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब तक आपको यदि अपने QR कोड से किसी के थ्रू मनी को रिसीव करना रहता था, तो आपको अपने QR कोड को शो करने के लिए अपने प्रोफाइल इमेज में जाकर फिर पेमेंट सेटिंग में जाकर यहां से अपने QR कोड को निकालना रहता था। लेकिन अब आपको इतनी सारी एक्सरसाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फोनपे ने आपके होम स्क्रीन पर ही आपको QR कोड को शो करने का ऑप्शन दे दिया है। इसके लिए अब जब भी कभी आप अपने फोनपे की होम स्क्रीन को ओपन करेंगे, तो उसमें आपको जो मनी ट्रांसफर के सेक्शन मिलता है, उसमें जस्ट नीचे आपको आपके फोनपे के जो QR कोड है उसको शो करने एक ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आप जस्ट एक क्लिक करके अपने QR कोड को शो कर सकते हैं, जिससे कि आपका काफी सारा समय बचने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोन पे के दूसरे अपडेट के बारे में, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और साथ ही यदि आप इसको मिस कर जाते हैं तो आपको काफी सारा समय का नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप अपने फोन से, चाहे वो आपका बैंक ट्रांजैक्शन हो, चाहे आपका UPI ट्रांजैक्शन हो, वो तो आप कर देते थे, लेकिन यदि आप ये चाहते थे कि मैं अपना बैंक स्टेटमेंट भी देख सकूं, तो उसके लिए आपको बैंक के या तो पासबुक वाली मोबाइल एप्लीकेशन या फिर नेट बैंक वाली मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर काफी सारी एक्सरसाइज करने के बाद अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को आप चेक कर सकते थे। बट अब फोन पे आपको एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है, जिसके बाद आप अपने बैंक के स्टेटमेंट को अपने फोन पे के थ्रू भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपली आपको करना ये रहेगा कि आपको अपने फोन पे को ओपन करना है, उसके बाद आपको चेक बैलेंस वाला जो ऑप्शन दिया जाता है मनी ट्रांसफर वाले सेक्शन में, वहां पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो कुछ बैंक लिंक हुई है, उसके जस्ट नीचे आपको यहां पे बैंक स्टेटमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे, तो आपको नीचे एक बैंक का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करके अपनी बैंक को ऐड करना है। फिलहाल जो फोन पे का टाई अप है, वो अभी 4 बैंकों के साथ हुआ है, जिसमें है AU बैंक, फेडरल बैंक और कर्नाटका बैंक, और लास्ट है आपकी यस बैंक। अभी इन 4 ही बैंकों के साथ फोनपे का टाई अप हुआ है। तो फिलहाल यदि आपके इन 4 बैंक में से किसी बैंक में अकाउंट है और आप फोनपे के थ्रू अपने बैंक स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, तो आप वो बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। लेकिन जल्दी ऐसा भी होने वाला है कि फोनपे और भी काफ़ी सारी बड़ी बैंक, जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, या कैनरा बैंक हो गया, या काफ़ी सारी बैंक हैं, और लगभग सभी बैंकों के साथ ये टाई अप करने के लिए प्रोसेस में लगा हुआ है। और एक दिन जब ये वाला टाई अप इसका हो जाएगा, तो आप अपनी बड़ी से बड़ी बैंक का, चाहे वो PNB हो, SBI हो, या कोई कैनरा बैंक हो, उनका भी बैंक स्टेटमेंट अपने फोनपे के थ्रू ही देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इन दोनों अपडेट से आपको काफी सारी हेल्प मिलने वाली है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।